मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं, और आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं या नहीं। यदि ऐसा है तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सोमू जी या टीचर एजुकेटर समूह में जो भी लोग हैं, यदि कमेंट्स में या कैसे भी मुझ तक अगर अपनी सूचना पहुंचा देंगे तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप एडमिन के मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। वो जैसे ही कहेंगे मैं अपनी बात प्रारंभ करूँगा। थैंक यू सत्येंद्र जी, थैंक यू श्वेता जी, अनामिका जी, आशिक रज्जाक जी, आकांक्षा जी, आप सभी लोगों ने जो फीडबैक दिया है उससे मुझे लग रहा है कि मैं सभी तक पहुंच पा रहा हूं। पतंजलि जी का भी मैसेज आ गया है। अब मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूं ग्रुप एडमिन के मैसेज का कि वो मैसेज दें और मैं अपनी बात शुरू करूं। तो मुझे मैसेज आ गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन हियर। आई वुड लाइक टू कीप माई सेशन बाइलिंगुअल। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ टीचर एजुकेटर समूह और उसके कन्वीनर डॉक्टर सोमू सिंह जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप सभी तक रख पाऊँ। मुझे 1 घंटे का समय दिया गया है, मैं उसी में अपनी बात समाप्त करूँगा। आज हम सब कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और ऐसे में एक शिक्षक के नाते हम सभी अपने अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा रहे हैं। जो जितना योगदान कर सकता है, जिस रूप में योगदान कर सकता है, वो कर रहा है। और अचानक से मुझे कभी कभी ये लगता है कि 3-4 साल पहले जब हमने ऑनलाइन एजुकेशन, स्वयं, इन सब पर बात शुरू की थी, तब बहुत सारे लोग शायद हमें उतनी एक अलग तरह की दृष्टि से देखते थे कि ये ऑनलाइन एजुकेशन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, पॉसिबल है कि नहीं है। फेस टू फेस इज ऑलवेज बेटर एंड ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज गुड नो डाउट, बट दिस इन दिस पीरियड, इन दिस कोरोना पीरियड, वी हैव ऑल विटनेस दैट ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम अ वून फॉर अस, और उसने हमें एक ऐसी मदद दी है कि हम अपने विद्यार्थियों से लगातार संपर्क रख पा रहे हैं।
और हम सभी लोग किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मीडियम से अपने स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो मैं अपनी बात एक कोट से शुरू करूंगा जो एक बहुत फेमस अमेरिकन फ्यूचरिस्ट एल्विन टॉफलर ने कहा था, द इलिटरेट्स ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है, इसमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज़ नए टूल्स आ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आज तक टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे थे वो भी अचानक से इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मुझे लगा कि यही मुद्दा आज लेना चाहिए और हमें बात करनी चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या अभी चल रहा है और कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि एक चीज तय है, इस कोरोना काल के गुजर जाने के बाद भी नहीं जाने वाली, भले अभी हमने टेक्नोलॉजी को मजबूरी में अपनाया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग पहले से अपना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपकी टीचिंग लर्निंग का, आपकी टीचर ट्रेनिंग का एक कंपलसरी इंग्रेडिएंट बनकर रह जाएगी। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि नो टेक्नोलॉजी, एक बहुत अच्छी कहावत है, और कहावत ऐसे आई कि एक बार एक अध्यापक से किसी ने पूछा कि क्या टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस कर देगी। तब उस अध्यापक ने कहा, नो, टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस द टीचर, टेक्नोलॉजी कभी टीचर को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन द टीचर हु इज नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी मे बी रिप्लेस्ड बाई टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचर्स। सो दिस इज द टाइम दैट वी ऑल शुड बी रेडी टू बिकम अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचर। और जब हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचर या ऑनलाइन एजुकेटर के रूप में अपने आप को डेवलप करने की बात कहते हैं, तो हमें कुछ सवाल खुद से पूछने चाहिए। क्या हम डिजिटली इक्विप्ड हैं? उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हम अपनी टीचिंग लर्निंग में चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टीचिंग लर्निंग में करना शुरू करेंगे, तो हमारे लर्नर्स भी उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे? हो सकता है वो बहुत सारे मुद्दों पर हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो, क्या हम उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? और वो कौन से एरियाज हैं जहां हम में एज ए टीचर एजुकेटर, मुझ में, आप में अभी सुधार की गुंजाइश है, या जहां हमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इस समय के टीचिंग लर्निंग सिनेरियो को देखें, और खासतौर पर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की अगर मैं बात करूं, दो तरह की प्रैक्टिसेस हैं। एक जिनको हम कह सकते हैं फुल्ली ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जो या तो एक लिमिटेड ग्रुप के लिए किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑफर किए जा रहे हैं, चाहे वो मूडल पर हो, ब्लैक बोर्ड पर हो, कैनवास पर हो, या किसी भी एलएमएस पर हो, या फिर वो मूक के फॉर्म में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। और एक दूसरा तरीका है जिस पर आजकल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, वो है ब्लेंडिंग का। हम लोग अपनी फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग के साथ ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग को ब्लेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही हम ओडीएल में भी अपने टीचिंग लर्निंग को ऑनलाइन के साथ ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में हम दो तरह के ग्रुप्स को कैटर करते हैं। ज्यादातर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग में है। हमारे क्लास का साइज 50 का है, 100 का है, मैक्सिमम कहीं चार बैच होंगे बीएड के, तो 200 हो सकता है। इससे ज़्यादा स्टूडेंट को एक बैच में हमें कैटर नहीं करना पड़ता। जब हमारे पास ग्रुप स्मॉल होता है, तब हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स ज़्यादा हैं जो हम स्मॉल ग्रुप को कैटर कर सकते हैं। लेकिन जब हम लार्ज ग्रुप को कैटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे बीएड में 2500 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाकर मुझे 5000 स्टूडेंट को कैटर करना है, तो मैं जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता हूँ वो शायद रेस्ट्रिक्टेड है। आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मेरे पास उतने ऑप्शंस नहीं है। तो एक तो ग्रुप, दूसरा इशू ये है कि हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में दो तरह के मोड यूज कर रहे हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आजकल जो ये जूमिंग हो रही है,
ये एक तरह की सिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग है, जब स्टूडेंट और टीचर एक साथ बैठकर एक ही समय में एक दूसरे से बात करते हैं। और एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जहाँ टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। ऐसे में यदि हम सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज की बात करें खासतौर पर, तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम ग्रुप चैट यूज कर सकते हैं, फेसबुक लाइव जैसे हम अभी कर रहे हैं, यूट्यूब लाइव भी मैंने ट्राई किया, यूट्यूब लाइव भी एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि फेसबुक लाइव में ऑप्शन ज़्यादा है अभी यूट्यूब लाइव से। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हम इग्नू में लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लाइव सेशन करते हैं, मैं स्वयं प्रभा पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेडियो काउंसलिंग भी एक तरह का सिंक्रोनस मीडियम है, जहाँ एक ही समय पर हम रेडियो पर बैठकर बात करते हैं और एफएम चैनल से हमारे स्टूडेंट्स हमारी बात को सुनते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं। एसिंक्रोनस मीडियम्स ये हो सकते हैं कि हम कोई ऑडियो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, हम गूगल ग्रुप्स में बातचीत करते हैं, हम डिस्कशन फोरम्स बनाते हैं, हम फेसबुक लाइव में ना जाकर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बात करते हैं, या सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम एक बड़ा टूल बना है। खासतौर पर वन वे कम्युनिकेशन के लिए मैं टेलीग्राम चैनल यूज़ करता हूँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल को लगभग मेरे 800 स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है, तो मुझे जो भी सूचना उनको देनी होती है मैं उस चैनल में पोस्ट करता हूँ, डायरेक्टली उन तक पहुँच जाती है। उसकी लिमिट कि वो मुझसे पलट कर सवाल नहीं पूछ सकते, केवल मैं उनको वन वे इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा तो शायद मैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर पाऊँ, लेकिन ग्रुप बनाने की अपनी कुछ सीमाएँ हैं जो हम बड़े ग्रुप्स के साथ नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहे सिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग में जाएं, चाहे एसिंक्रोनस टीचिंग लर्निंग में जाएं, चाहे पावर पॉइंट से पढ़ाने की कोशिश करें, चाहे फेसबुक लाइव में जाएं, चाहे हम जूम या और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसिंग टूल इस्तेमाल करें, या अपने स्टूडियो में बैठकर प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, हमें ध्यान ये रखना है कि हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं। हम में और बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर में एक अंतर है कि उन टीचर्स को केवल कंटेंट पर ध्यान देना है, हमें कंटेंट के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि हमारे कंटेंट की डिलीवरी कैसे। टीचर एजुकेशन के विद्यार्थी होने के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग जब भी प्लान करें उसको एक बेहतर ढंग से उसकी हम प्रिपरेशन कर पाए। जैसे कि हम फॉर्मल टीचिंग लर्निंग में करते हैं कि हम किसी किसी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में भी हमें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फॉलो करना चाहिए। आजकल बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस हैं जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लासिकल वन एडी मॉडल है जो फेस टू फेस में भी इस्तेमाल होता है, ब्लेंडिंग में भी इस्तेमाल होता है, और ऑनलाइन में भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर गैगने का 9 स्टेप हायरार्की मॉडल है, वो भी बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। आजकल मैं जिस मॉडल को लेकर थोड़ा फैसिनेटेड हूँ, थोड़ा ज़्यादा मुझे उससे लगाव हो गया है, वो है कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी मॉडल। मुझे बहुत पसंद है, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जो भी मूक कोर्सेज किए हैं, या जो मूक कोर्स अभी मैं ऑफर करने का प्लान कर रहा हूँ सबके लिए, मैं COI को प्रेफर कर रहा हूँ एज अ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल। SAMR टेक्निक है, केबल्स फ्रेमवर्क है, बहुत बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कौन सा चुनिए, आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस के बारे में पढ़ते रहे हैं, पढ़िए, और जिसमें आपको कंफर्ट लगे, जिस मॉडल के हिसाब से आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग डिज़ाइन कर सकें उस मॉडल को फॉलो करिए। लेकिन एक ही मॉडल को फॉलो करिए, मॉडल बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा सजेशन है। एक्चुअली जो जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी मॉडल, वो तीन चीज़ों पर ध्यान जोर देता है। पहला है कॉग्निटिव प्रेजेंस, दूसरा है टीचिंग प्रेजेंस, और तीसरा है सोशल प्रेजेंस। ये मॉडल कुल मिलाकर ये मानता है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में अगर हम कुछ ऐसी चीजें शुरुआत में कर पाते हैं जो एक ट्रिगरिंग इवेंट की तरह काम करें, जो बच्चों का अटेंशन, हमारे स्टूडेंट्स का अटेंशन हमसे जोड़ पाए, हम 1 घंटे का लेक्चर प्लान करें, एक पावर पॉइंट रन करें और सीधे पावर पॉइंट रन करते चले जाएं, ना कोई सवाल हो, ना कोई जवाब हो, ना कोई बातचीत हो, ना उनसे ये पूछा जाए कि उनको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का कोई लाभ नहीं है, वो वन वे कम्युनिकेशन है। क्या हम अपने लर्नर्स को एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं? क्या हम लर्नर के फीडबैक को अपनी टीचिंग लर्निंग में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उनके जो इश्यूज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, क्या हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं विद इन द टीचिंग लर्निंग? ये कॉग्निटिव प्रेजेंस है, जहां
का कॉग्निशन, टीचर और लर्नर दोनों का कॉग्निशन एक ही समय में प्रेजेंट हो। दूसरा ये मॉडल बात करता है टीचिंग प्रेजेंस की। टीचिंग प्रेजेंस इज नॉट टीचर प्रेजेंस। टीचर तो सभी जगह प्रेजेंट है, जूम पर भी प्रेजेंट है, फेसबुक पर भी प्रेजेंट है, यूट्यूब में भी प्रेजेंट है। यहाँ पर टीचिंग क्या प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसको टीचर प्रेजेंस के साथ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हम टीचिंग प्रेजेंस की बात करते हैं तब बात आती है हमारी टीचिंग, जो आजकल हमारा रोल एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर हो गया है। तो आर वी एबल टू फैसिलिटेट आवर लर्नर्स, आर वी एबल टू कम्युनिकेट विद देम डायरेक्टली, आर दे एबल टू कम्युनिकेट विद अस डायरेक्टली और नॉट। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट इशूज विच वी शुड कीप इन माइंड वेन वी आर प्लानिंग एनी थिंग इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग। एंड द थर्ड थिंग इज सोशल प्रेजेंस, बिकॉज इन क्लासरूम हम क्यों कहते हैं क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सबसे अच्छी है, क्योंकि वहाँ सोशल प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होती है। हम और हमारे स्टूडेंट एक साथ होते हैं, हमारे बीच एक कनेक्शन होता है, एक अफेक्शन होता है, एक ग्रुप डायनेमिक्स होती है, ग्रुप कोहेजन होता है, हमारे बीच फ्रीली कम्युनिकेशन हो सकता है। क्या हम ये सारी चीज़ें अपनी ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में प्लान कर सकते हैं? क्या हम कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं? क्या हम अपने लर्नर्स के प्रति थोड़े अफेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा उनके साथ अच्छे एक्सप्रेशन के साथ बात कर सकते हैं? एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में टीचिंग पेस फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग के टीचिंग पेस से कम होता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, जो भी मैंने पिछले 3-4 सालों में काम किया है इस पर और बहुत सारे स्वयं और स्वयं प्रभा के प्रोजेक्ट्स पर, मैं देखता हूँ कि क्लासरूम टीचर जो लेक्चर 40 मिनट के लिए तैयार करता है, वो मेरी रिकॉर्डिंग में उस लेक्चर को 15 मिनट में खत्म कर देता है या 20 मिनट में खत्म कर देता है। उसका कारण है कि हमें ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में स्टूडेंट्स के साथ इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता, उनकी नॉडिंग नहीं होती, उनके क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होते, वन वे कम्युनिकेशन पर हम ज्यादा जोर देते हैं। क्या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में हम फेस टू फेस की उन सारी चीजों को ला सकते हैं क्या? कैसे क्रॉस क्वेश्चंस हों, कैसे स्टूडेंट्स का फीडबैक आता रहे? जैसे मैं लगातार आपसे बात करते हुए ये भी देख रहा हूँ कि आपके ग्रुप पर या मेरे इसके नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे ये फीडबैक देंगे कि मैं आपके साथ ठीक बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो सर बस ऐसे ही 1 घंटे टाइम पास करने आ गए, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं, अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं। हमारे मन में ये प्रश्न है, क्या हमें सर से ये प्रश्न पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? यदि है तो पूछिए, ये इसमें चैट का ऑप्शन है, ये एक तरह का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है हमारे आपके बीच। आपको जहां भी लगे कि यहाँ हमें बात करने की जरूरत है, यहाँ हमें कुछ ऐड करने की जरूरत है, आप में से बहुत सारे लोग मेरे सीनियर्स हैं, मेरे टीचर्स रहे हैं और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जिनसे मैंने सीखा है, वो भी शायद कुछ लोग इसको देख रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ ही हैं, तो उनका फीडबैक मेरे लिए कुछ शायद नॉलेज एनहांस करेगा, क्योंकि एक तरह से पीयर लर्निंग है। जब हम अब हम आइए बात करते हैं उन चीजों की जो आजकल हम कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस। सबसे कॉमन प्रैक्टिस जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग। हम जूम यूज कर रहे हैं, जूमिंग तो हैज बिकम अ बज वर्ड नाउ अडेज। जिसको जूम से थोड़ी दिक्कत है वो सिस्को वेबेक्स पर चला गया है, जिसको उससे भी प्रॉब्लम है उसको टीम लिंक का सजेशन है। जूम पर जाइए आप, वेबेक्स पर जाइए आप, टीम लिंक पर जाइए आप, जिस्टी पर जाइए आप। माइक्रोसॉफ्ट अगर यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं, कुछ लोग स्काइप ही यूज कर रहे हैं, कोई गूगल मीट यूज कर रहा है। सबके साथ प्लसेस भी हैं और सबके साथ माइनसेस भी हैं। जूम फ्री वर्जन आपको 40 मिनट मैक्सिमम देता है, बीच में लगातार बहुत सारा न्यूज़पेपर्स में आया कि उसको प्राइवेसी को लेकर दिक्कत है, बहुत सारे कंट्रीज में उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। हमें भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी किया कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन सिस्टम में जब भी आप एक थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो जूम है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, आप अपनी प्राइवेसी उसके साथ कंप्रोमाइज तो करते ही हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के प्राइवेसी कंडीशंस वेल डिफाइंड, वेल रिटन है,
उनको आप पढ़कर उनके साथ एग्री करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं, वो आपका डेटा यूज़ करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो लेकिन दिक्कत ये है कि इस समय हम करें क्या। इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की कुछ कोशिश हो रही है, मैं अभी बीच में नमस्ते ऐप आया था, हमने उसे भी ट्राई किया, उसका बीटा वर्जन बहुत इफेक्टिव नहीं रहा, अभी टेस्ट वर्जन था। अभी एक और टीम में जानता हूँ, IIT के 4 लोगों की टीम जो एक्स IITians हैं, दे हैव गॉट सम फंडिंग फ्रॉम अ बिजनेस हाउस एंड दे आर वर्किंग टू डेवलप अ इंटीग्रेटेड टूल जिसमें वो जूम के ऑप्शन भी हो, फेसबुक का ऑप्शन भी हो, यूट्यूब का ऑप्शन भी हो, सारी चीज़ें एक साथ आ जाए। तो ऐसे में हमें क्या लगता है कि हम सबको बहुत बेहतर ढंग से ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब देखिए, अगर आपका ग्रुप छोटा है, 50 स्टूडेंट्स तक हैं, गूगल मीट यूज करिए, गूगल मीट पर आपको जूम से ज्यादा भरोसा हो सकता है। हालांकि जूम में मुझे उतनी प्रॉब्लम अभी तक नजर नहीं आई, मैं तो मेरे घर में मेरी बेटी है, छोटे क्लास में है और उसका क्लास डेली 5 पीरियड होते हैं, जूम पर होते हैं, पिछले 1.5 महीने से हो रहे हैं, एंड जो भी जूम पर पिछले 1.5 महीने से उसका चल रहा है वो मैं लगातार उसकी क्लास ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसके टीचर तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, एक एक बच्चे की अटेंडेंस भी लेते हैं, एक एक बच्चे को बोलने का मौका भी क्रमबद्ध ढंग से देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेशन किया हुआ है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। एंड स्कूल्स आर यूजिंग इन दिल्ली वेरी इफेक्टिवली जूम, वेबएक्स भी यूज़ कर रहे हैं, मैंने गूगल मीट भी यूज़ किया है और माइक्रोसॉफ्ट टीम भी यूज़ किया है। तो आप कोई भी यूज़ करिए, अगर आपको फिर भी अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न है, मेरा सिंपल सजेशन है एक अलग फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिए जो इस तरह के एप्स पर लॉगिन करने में आपको काम आए। उस मेल आईडी में आप अपनी बाकी चीज़ें इंटीग्रेट मत करिए, आप उसको पर्सनल मेल की तरह यूज़ मत करिए, आप उसको बैंक के मेल की तरह यूज़ मत करिए, आप उसके साथ अपनी ऑनलाइन बैंकिंग मत करिए। यही सारे प्रिकॉशंस हैं जो आप रख सकते हैं। जूम में वेटिंग का ऑप्शन है, आप वेटिंग ऑप्शन एक्टिवेट कर दीजिए, कोई भी अनडिजायर्ड एलिमेंट आपके ग्रुप में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास आपका पासवर्ड और लॉगिन की पहुंच गया तब भी वो जब एंटर करेगा तो वो पहले वेटिंग रूम में जाएगा, जब आप उसे अप्रूव करोगे तब वो जूम को ज्वाइन करेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर थोड़े प्रिकॉशंस को ध्यान रखें, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जब। दूसरा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड अचानक से जन्म ले रहा है वेबिनार्स का, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन वेबिनार्स हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के टूल्स हैं। हम वेबिनार्स के माध्यम से पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से एक दूसरे को एनरिच कर सकते हैं। क्लासरूम टीचिंग लर्निंग का ये बहुत अच्छा टूल अभी नहीं है क्योंकि वेब पर सेमिनार कराना एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में हम कितना यूज़ कर सकते हैं उस पर अभी देखने की ज़रूरत है। मैंने अभी तक जितने भी वेबिनार्स देखे हैं वो मोस्टली इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तरीके से करा रहे हैं, और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में एक बड़ी समस्या है कि जब से ये ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के शुरू शुरू हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब लाइव हो या वेबिनार हो, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या। इवन जब सोमू जी ने टीचर एजुकेटर ग्रुप में ये डिसाइड किया हम लोगों ने कि हम लोग 1 घंटे का लाइव रोज किसी एक इशू पर करेंगे, तो एक किसी बंधु का उसके नीचे कमेंट आया, सर ये लाइव देखूंगा तो इसका सर्टिफिकेट मिलेगा क्या। तो मैंने कहा कि बंधु, ये सर्टिफिकेट वाली एक्टिविटी नहीं है, टीचिंग लर्निंग है, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, सर्टिफिकेट वाली एक्टिविटी के लिए आप कोई इंस्टीट्यूशन ढूंढिए, हम लोग एक ग्रुप है जो हम लोग आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी कुछ सीख पाए। एक और बड़ा अच्छा मॉडल मैंने देखा है ऑनलाइन वर्कशॉप्स का, जो वेबिनार्स का एक बेटर वर्जन है। मैं अभी हाल ही में एक हफ्ते का वर्कशॉप फिनिश किया है SNDT डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मुंबई के साथ, उन्होंने 3 आवर्स डेली का 1 वीक वर्कशॉप किया ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पर, और उन्होंने मूडल और फेसबुक लाइव दोनों को इंटीग्रेट करके, फेसबुक लाइव को यूज़ किया एड्रेसिंग टू द लार्ज गैदरिंग क्योंकि हमारे पास 700 750 पार्टिसिपेंट्स थे, और मूडल का यूज़ किया असाइनमेंट सबमिशन का क्योंकि ये वर्कशॉप थी तो आपको 1 घंटे सेशन करना था, उसके बाद 1 घंटे हैंड्स ऑन था, उसके बाद 1 घंटे ट्रबल शूटिंग था, फिर बिफोर मिडनाइट आपको जो असाइनमेंट दिया जाना था वो LMS पर आपको अपडेट करना था, और एक तरह से वो पीयर लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग था। हम में से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट्स भी थे, हम
हम इसे कुछ लोग उसमें ई ट्यूटर की तरह दूसरों के प्रेजेंटेशंस को, दूसरों के सबमिशंस को असस भी कर रहे थे, असेसमेंट गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई थी। एसएनडीटी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, मुझे अच्छा लगा। वो भी एक आजकल प्रैक्टिस चल रही है। तीसरी चौथी प्रैक्टिस है लाइव स्ट्रीमिंग की। जैसे मैं आपके साथ फेसबुक लाइव पर हूँ, ऐसे ही यूट्यूब लाइव भी एक ऑप्शन है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिनके लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड करता हूँ, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर यूट्यूब लाइव करिए। लेकिन यूट्यूब लाइव में और फेसबुक लाइव में एक अंतर ये है कि यूट्यूब लाइव मेरे सब्सक्राइबर्स ही देख सकते हैं, फेसबुक लाइव में कहीं भी कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे सिंक्रोनस कमेंट्स चूंकि आपके पैरेलली आ रहे हैं मेरे सिस्टम पर, तो मैं उनके सवाल जवाब आसानी से दे सकता हूँ, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। फिर मूक तो आप सभी लोग जानते हैं, एक बड़ा ऑप्शन है। इस समय कोर्सेज की बाहर आई हुई है, आप चाहे कोर्सेरा पर कोर्स करिए, ईडीएक्स पर करिए, ओडासिटी पर करिए, फ्यूचर लर्न पर करिए, या अपने स्वयं पर करिए। इतनी सारी चीज़ें, चाहे वेबिनार, चाहे वर्कशॉप्स, चाहे मूक कोर्सेज, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जूम, हम कुछ भी करें, हमारे सामने कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। पहला है हाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स आवर लर्नर्स। हम अपने विद्यार्थियों तक किस रूप में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में उनको दोनों, तो आप क्लासरूम में दो सपोर्ट एक साथ देते हैं। एक उनको कंटेंट सपोर्ट देते हैं, जो आप उनको कंटेंट पढ़ाते हैं, दूसरा आप उनको ट्रबल शूटिंग सपोर्ट देते हैं, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। वो आपसे कंटेंट तो पढ़ते ही हैं, साथ ही वहां से बहुत सारी चीजें और भी सीखते हैं, आपसे चीजें और भी पूछते हैं। हमारा लर्नर के प्रति अप्रोच कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए, जहां हमें डुअल रोल प्ले करना है, एज ए कंटेंट फैसिलिटेटर एज वेल एज द लर्निंग फैसिलिटेटर, कि केवल उनको कंटेंट की बॉम्बिंग नहीं हो। वेबिनार्स में या यूट्यूब वीडियोज में एक ही प्रॉब्लम है कि हम यूट्यूब वीडियोज में कंटेंट की बॉम्बिंग कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन क्या हमारे लर्नर तक वो कंटेंट पहुंच रहा है? क्या मेरा लर्नर मेरा कंटेंट देख रहा है? क्या देखकर वो उसको समझ पा रहा है? क्या उसको समझकर उसके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं? उनके प्रश्नों के समाधान का सलूशन हम क्या दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? पहला मुद्दा है जो मैंने नोटिस किया है पिछले एक डेढ़ महीने में। दूसरा मुद्दा जो मैंने नोटिस किया है वो है लैंग्वेज का। आज भी बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करने की बात आती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। मैं भी प्रेफर करता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ में बनाता हूँ, तो अगर मैं 100 वीडियो बनाता हूँ तो 80 वीडियो अंग्रेजी में बनाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट ईजिली अवेलेबल है, फॉन्ट का इशू नहीं होता, पावर पॉइंट डिजाइनिंग खूबसूरती से हो जाती है और मल्टीपल रिसोर्सेज से हमें मिल जाता है इंफॉर्मेशन, हम उसको गैदर कर सकते हैं। लेकिन हमारे लर्नर की दूसरी प्रॉब्लम है, हमारा लर्नर हिंदी मीडियम है, उड़िया मीडियम है, मलयालम में पढ़ता है, कन्नड़ा में पढ़ता है, मराठी में पढ़ता है। वो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, आज भी टीचर एजुकेशन में भी मैं जानता हूँ 60-70% स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग में पढ़ना प्रेफर करते हैं। क्या हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में जो भी मटेरियल उनको प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा सकते हैं, और कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या आसान तरीके हैं? हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर हमारे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, तो आजकल स्क्रीन कास्टिंग है, हम स्क्रीन पर पावर पॉइंट चला करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी भाषा में उनको भेज सकते हैं, बहुत तरीके। अगला बड़ा मुद्दा है अटेंशन स्पान का। मैं अभी देख रहा था कुछ जगह यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए हैं आजकल, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है, 30 मिनट का वीडियो, 50 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो, दैट टू नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो। इज माई लर्नर रेडी टू स्पेंड 40 or 50 मिनट्स ऑन अ डल वीडियो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। Why can't I prepare a 5 minute, 6 minute, 8 minute, 10 minute, maximum 15 minute video? In that video, what I can do to make their attention span, to prolong their attention span? क्योंकि हम देखते हैं कई बार हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, हमने 6 स्लाइड बनाई, आधे घंटे में उन पर बात की, 5 मिनट तक वाइट बैकग्राउंड के साथ एक लंबी स्लाइड जिस पर बहुत सारा टेक्स्ट सामने है और बैकग्राउंड में हम बोल रहे हैं, हम दिख भी नहीं रहे हैं, बालक बोर हो जाता है, बच्चा बोर हो जाता है। हमें स्लाइडिंग पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं स्क्रीन प्रेजेंस।
आपकी स्क्रीन प्रेजेंस, आपके कंटेंट की स्क्रीन प्रेजेंस दोनों जरूरी हैं। जैसे मैं फेसबुक लाइव और जूम को जब कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे जूम इसलिए ज्यादा बेहतर लग रहा है कि अगर मैं जूम पर होता तो शायद मैं खुद को और अपने कंटेंट को दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर रहा होता। यहां मैं या तो खुद को प्रेजेंट कर पा रहा हूं या फिर मैं इसको स्टॉप करूं तो अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो पहले मैंने सोचा था पावर पॉइंट, फिर मैंने कहा नहीं, पावर पॉइंट तो हम डिस्कस कर लेंगे, हम पॉइंट्स में बात करेंगे, पावर की बात बाद में होगी, यहाँ किसी पावर की बात नहीं है। ठीक, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। हम स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल होने चाहिए। हमने क्या बैकग्राउंड यूज किया है, किस तरह के कपड़े पहने हैं रिकॉर्डिंग में, हमने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, क्लासरूम में हम जो पढ़ाते हैं वो विद इन द फोर वॉल्स ऑफ क्लासरूम रहता है, उसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हम कई बार कुछ गलत भी पढ़ा जाते हैं, कुछ गलत डेट्स भी दे जाते हैं, हो सकता है कुछ अपने भावावेश में ऐसे उदाहरण भी दे जाते हो जो हम सार्वजनिक मंच पर देना नहीं चाहते, हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में वो नहीं कर सकते। इंटरेक्टिविटी एक बड़ा इशू है जिसकी मैंने बात की, कि हमें जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकते हैं, हम जितना ज़्यादा एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला बड़ा मुद्दा साइबर सिक्योरिटी का है। जैसे कि जूम पर इशू आया था, मैंने अभी बात की आपसे, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत कंसर्न्स हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया, कोशिश करिए जब भी बिना लॉगिन किए कोई ऐप डाउनलोड हो सकता हो करिए, लॉगिन करके जब तक कि उसमें कंपल्शन ना हो। सिर्फ एडवेंचर के लिए बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड मत करिए, उसी ऐप को डाउनलोड करिए जो बहुत रिलायबल हो, जो आपके काम का हो, जिसको आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग टूल यूज करते समय एक सेपरेट मेल आईडी बनाइए जो आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं करते हैं। आजकल हम लोग डुअल मोबाइल फोन भी रखते हैं, तो एक मोबाइल फोन नंबर वो है जो हमारे बहुत सारे अकाउंट से लिंक है, और एक मोबाइल फोन हो सकता है नंबर ऐसा हो सकता है जो लिंक्ड नहीं है, तो जो लिंक्ड नंबर नहीं है उसका यूज ज्यादा करें। अगला सबसे बड़ा मुद्दा डिवाइस और बैंडविथ का है। हम जो भी ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि वो मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर दोनों पर फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल कम बैंडविथ पर चलता है, लैपटॉप्स के लिए ज़्यादा बैंडविथ चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए। उसके साथ साथ रेजोल्यूशन भी उसमें ज़्यादा होता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आज भी जियो का 1.5 GB इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, मेरा तो 1.5 GB मॉर्निंग में फिनिश हो जाता है 5 क्लासेस में, उसके बाद मुझे एयरटेल पर जाना पड़ता है। सो ये डिवाइस और बैंडविथ भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जब भी हम ऑनलाइन, अब हम मान लीजिए कोई वर्कशॉप या वेबिनार प्लान करें, और हम ये प्लान करें कि हम एक एक घंटे के 4 सेशन रोज जैसे सेमिनार में होते हैं वैसे करेंगे, लेकिन जिन पार्टिसिपेंट्स को हमारे लाइव सेशंस देखने हैं, क्या उनके पास 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाइव देखने के लिए डेटा अवेलेबल है? क्या उनका डेटा कार्ड अलाउ करेगा उनको 3 GB 4 GB डेटा देखना? जब तक उनको अलाउ नहीं करेगा तो हमारे फिर वेबिनार्स का कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स उसको पूरी तरह से देख नहीं पा रहे। तो हम उसको छोटा करें, 1 घंटे का करें, आधा आधा घंटे के 2 सेशन करें, ब्रेक करके करें, जैसे भी करें। हमें ये सारे मुद्दे ध्यान में रखने होंगे जब हम ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का कोई भी मॉडल प्लान करें। अगला बड़ा मुद्दा, अगला बड़ा कंसर्न है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, वो हम सबको ध्यान में रखने चाहिए, वो है इश्यूज रिलेटेड टू कॉपीराइट एंड प्लेजरिज्म। देखिए, क्लास में हम किसी भी की भी किताब से कुछ भी पढ़ा देते हैं, किसी भी ऑथर की किताब से पढ़ा देते हैं। कई बार मैंने तो टीचर्स को देखा है वो किताब के ऊपर कवर चढ़ा के लाते हैं ताकि बच्चों को पता ना लगे कि टीचर कौन सी किताब इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी बुक यूज कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन में आप वैसा नहीं कर सकते, किसी की किताब से आप 4 लाइन उठाकर अपनी स्लाइड पर नहीं डाल सकते जब तक कि आपने उसको रेफरेंस नहीं दिया। आप अपनी पावर पॉइंट में कोई भी इमेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बैकग्राउंड में अगर पावर पॉइंट में एक इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको ध्यान रखनी होगी कि हम गूगल पे जाके कीवर्ड डाल के खाली इमेज कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, नहीं, वो कॉपीराइट का उल्लंघन है, नहीं कर सकते। हमें इमेज ऐसी ढूंढनी होंगी जो कॉपीराइट फ्री है। जैसे हम या तो गूगल में जब सर्च करते हैं तो टूल ऑप्शन में जाकर पहले एक फिल्टर डाल दें, रीयूज अलाउड, तो वही इमेज आएंगी जो रीयूज अलाउड है, उनको सर्च करें। या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कॉपीराइट फ्री, या यूं कहिए कि जो यूजर फ्रेंडली और जिनमें हमें एट्रीब्यूशन नहीं देना होता, ऐसी इमेजेस अवेलेबल कराती हैं। जैसे पिक्जा वे पर जा सकते हैं, बहुत सारी इमेजेस वीडियो वहां है। प्लेजरिज्म का बहुत ध्यान रखना है हमें,
क्योंकि हम ऑनलाइन में जो कुछ भी करेंगे, मैं आज फेसबुक लाइव पर आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसको भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे, हम यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो रिकॉर्ड में होगा, और कोई भी इसको बाद में देखकर पकड़ लेगा कि आपने उसका पिक्चर, उसका कंटेंट, उसका बुक इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो अपनी मोबाइल से टेक्स्ट बुक का पेज स्कैन करते हैं, उसका पीडीएफ बनाते हैं और अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर देते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो भी प्लस, क्योंकि उसमें लिखा है जो उसका कॉपीराइट है उस बुक का, यू कैन नॉट शेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म इन एनी मीडियम, यू कैन नॉट डू दैट। हालांकि वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, नहीं कर सकते, क्लोज ग्रुप में आपस में कर रहे हैं, बट एज ए टीचर यू कैन नॉट डू दैट। सो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी कैन शेयर? सर्च ओईआरस, देर आर मेनी ओईआरस अवेलेबल, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटीरियल, एंड इफ यू कैन नॉट शेयर द ओईआर देन डोंट डाउनलोड, शेयर इट्स लिंक। सपोज आपको किसी कोर्स में इग्नू का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा लगा, इग्नू का स्टडी मटेरियल ओईआर नहीं है, तो आप इग्नू का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके यूज नहीं कर सकते बांटने के लिए। आप उसका लिंक अपने स्टूडेंट से शेयर करिए कि इग्नू की वेबसाइट पर, ई ज्ञान कोश पर ये मटेरियल अवेलेबल है, आप इस लिंक पर क्लिक करिए, आप वहां जाकर देख सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जो भी रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में शेयर कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मुद्दों पर प्रकाश और डालना चाहता हूं, अभी मेरे पास लगभग 20-25 मिनट का समय है। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम में से हर एक को हरीडली कैमरा रिकॉर्डिंग में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज एवरी वन इज नॉट अ कैमरा फ्रेंडली टीचर। आई एम अ वेरी गुड क्लासरूम टीचर, आई मे नॉट बी अ वेरी गुड कैमरा फ्रेंडली टीचर। आई हैव वॉइस मॉड्यूलेशन बट आई डोंट हैव कैमरा प्रेजेंस, आई हैव कैमरा फोबिया, मेनी ऑफ अस मे फील दिस। कैमरा पर जाते ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशन गायब हो जाते हैं, हम कुछ भी बात करने लगते हैं, हम लाइन्स भूल जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, पसीने आ जाते हैं, या चेहरे पर अचानक से एक बहुत गंभीरता ओढ़ लेते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है। तो हमें इस दौड़ में नहीं पड़ना कि मेरे डिपार्टमेंट का एक साथ चार कैमरा वीडियो बना दिया, तो मैं भी कैमरा पर जाकर चार वीडियो बना दूं। कोई जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन कास्टिंग यूज करिए, बिना कैमरा पर जाए पावर पॉइंट को अपनी बैकग्राउंड में आवाज दीजिए और अच्छे वीडियो बनेंगे। आप किसी टीचर एजुकेटर ग्रुप में देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने बिना किसी मॉनिटरी बेनिफिट या एकेडमिक बेनिफिट के ये बीड़ा उठाया कि कुछ बीएड के कोर्सेज पर हम मटेरियल बनाएंगे और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और स्टूडेंट्स को देंगे, और कोई कैमरा यूज नहीं कर रहा और बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, वो आप सब लोगों को दिए जा रहे हैं। तो अगला मुद्दा ये है कि हमें ये भी देखना है अपने साथ साथ हमारा स्टूडेंट, हमारा हर एक विद्यार्थी ऑनलाइन लर्निंग में एक जैसा नहीं है। कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन में देखकर सीखते हैं, कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन में भी पढ़कर सीखते हैं। हम उनको पीडीएफ में टेक्स्ट अवेलेबल करा लेंगे, वो मोबाइल पर पूरी किताब का पेज पन्ना नहीं पढ़ सकते। हर एक विद्यार्थी उतना कैमरा फ्रेंड, स्क्रीन फ्रेंडली रीडर नहीं होता। जैसे हम लर्निंग स्टाइल्स की बात करते हैं, वैसे यहाँ ई लर्निंग स्टाइल्स अपना रोल प्ले करते हैं। हम शायद ई लर्निंग स्टाइल्स को ध्यान में नहीं रखते, हम वही एक ही तरीका सबके लिए अपनाते हैं। हमने मान लिया कि भाई हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे और ऑनलाइन लर्निंग में सारे बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे, उनके सिस्टम में फॉन्ट नहीं खुलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हमें वैरायटी यूज करनी होगी, हमें ई टेक्स्ट भी देना होगा, हमें ऑडियो भी देने होंगे, हमें वीडियो भी देने होंगे। अगर हमारे स्टूडेंट रूरल एरिया में है, वहां बैंडविथ का प्रॉब्लम है, हम हैवी वीडियो अपलोड करेंगे वो नहीं देख पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करिए, 5 मिनट का सिंपल वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड करिए और उसको शेयर करिए, पॉडकास्ट करिए। किसने रोका है? वो सुनेंगे आपकी आवाज में। एक और मुद्दा जिसकी बात में मैंने थोड़ा पहले हिंट किया था, पेस ऑफ लर्निंग इज नॉट सेम। ऑनलाइन लर्निंग का पेस स्लो होता है एज कंपेयर टू क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, ये ध्यान रखिए। तो हम उन पर कंटेंट की बम्बार्डिंग नहीं करें, हम उनको बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं दें। आप डेली 5 क्लास शेड्यूल करने की बजाय डेली हाफ एन आवर की एक क्लास शेड्यूल करिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कंटेंट दीजिए।
हमारे चार पांच पेपर हैं वीकली, एक एक पेपर की एक एक क्लास। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग ही रहने वाली है और स्कूल कभी नहीं खुलेंगे, कॉलेजेस कभी नहीं खुलेंगे। खुले, देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं और हम मानते हैं, सभी के सहयोग से हम इस जंग में जीतेंगे। पर जब हम क्लासरूम में जाएंगे तो फिर हम ये ना कहें, नहीं भी हम तो तुम्हें ऑनलाइन में सब पढ़ा चुके थे, अब हम केवल तुम्हें टेस्ट लेंगे और तुमसे सब सवाल जवाब करेंगे। ऐसा नहीं होना। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की पेस बहुत कम होती है, तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में कंटेंट स्मॉल चंक्स में दीजिए, पूरे बड़े चैप्टर 10-10 पेज के मत दीजिए, एक एक पैराग्राफ में कंटेंट दीजिए। एक यूनिट अगर 10 पेज की है तो कोशिश करिए उस 10 पेज की यूनिट में आप 4 ऑडियो 4 वीडियो बना सकें। वीडियो नहीं तो कहीं से बनाए, नहीं तो ऑनलाइन जो अवेलेबल है वो दें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन का कोई ना कोई तरीका जरूर बनाइए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे वो यूट्यूब लाइव है, चाहे वो फेसबुक लाइव है। गूगल ग्रुप बनाइए, गूगल क्लासरूम्स पे जाइए, गूगल क्लासरूम ट्राई करिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इंटरेक्शन लेकर आइए। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं लाएंगे अपनी टीचिंग लर्निंग में, तब तक ऑनलाइन टीचिंग सफल नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, बहुत जल्दबाजी मत करिए और टेक्नोलॉजी को अप्रोप्रिएटली चूज करिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उन पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक से तैयारी करिए, प्रिपेयर वेल, प्लान इन एडवांस, इंटरेक्टिविटी बढ़ाइए और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को रिपीट मत करिए। सर्च करिए, कोई अच्छा आर्टिकल आपको मिल जाए, कोई अच्छी बुक आपको मिल जाए, कोई अच्छा बुक चैप्टर आपको मिल जाए, कोई अच्छा वीडियो आपको मिल जाए, केवल उसका लिंक शेयर करिए। उसी को खुद दोबारा पढ़ाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर ट्रबल शूटिंग करिए, उनकी प्रॉब्लम्स लीजिए। लेकिन ये सब करने के लिए एज ए टीचर हमें अपने अंदर थोड़ी सी डिजिटल स्किल्स डेवलप करनी होंगी, हमें डिजिटल प्लानिंग सीखनी होगी, हाउ वी कैन प्लान अ डिजिटल क्लास, हमें थोड़े से टूल्स की हैंडलिंग सीखनी होगी, चाहे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो जैसे कि कैनवास है, ब्लैक बोर्ड है, मूडल है, इन सबको कैसे यूज कर सकते हैं, और वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं। एक प्रश्न राहुल पाटीदार ने पूछा है कि पावर पॉइंट पर एक सेशन करें। पावर पॉइंट पर सेशन करेंगे आगे, अभी तो ये लगातार हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। जब मूलभूत विषय हो जाएंगे तो मैं इनसे कहूँगा कि पावर पॉइंट पर एक सेशन करें और मैं पावर पॉइंट पर सेशन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू शो द एक्टिविटी थ्रू ऑनलाइन, या यू कैन शो थ्रू द लाइव कैमरा, वाई नॉट यू डू डेमोन्स्ट्रेशन लाइक आई एम लाइव ऑन फेसबुक। आप अपने लैपटॉप को, कैमरे को इस तरह से सेट करिए कि आपने टेबल पर जो भी एक्टिविटी दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाइए। आप यूट्यूब लाइव करिए, यूट्यूब लाइव में आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाइए और दिखाने के बाद उसको सेव कर दीजिए, वो वीडियो फर्दर भी यूज हो जाएगा। फेसबुक लाइव में भी ये ऑप्शन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। देन स्क्रीन प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैंने कहा स्क्रीन प्रेजेंटेशन पर हम फिर कभी एक सेशन करेंगे। इसके बाद अभी ऑनलाइन टीचिंग में इवेलुएशन का क्या स्कोप है, उत्कर्ष वीर जी का सवाल है। मैं भी इस पर आ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इवेलुएशन पर बात नहीं की है, मेरे पास अभी 13 मिनट का समय और है, मैं उन सारे मुद्दों पर बात करूँगा। देखिए मैंने बातें तो बहुत सारी कर ली, सवाल अभी थोड़े से ही आए हैं, जो सवाल आए मैंने उन पर जवाब देने की कोशिश की है। आप लोग सवाल लिखते रहिए, मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, मूक आज भी भारत में बहुत पॉपुलर नहीं है। हम भले दावा करें कि हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने एनरोल कराया, पास कितनों ने किया, ये सवाल डेटा देखने के बाद ही जाना जा सकता है। आज अगर आप दुनिया के मूक प्लेटफॉर्म्स के देखेंगे तो टॉप साइज जो टॉप 6 प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कोर्सेरा नंबर 1 है, ईडीएक्स नंबर 2 है, फ्यूचर लर्न है, कॉग्निटिव क्लासेस है, आईवर्सिटी है, उडासिटी है, ये 6 टॉप 6 हैं। हम टॉप 10 में भी अभी नहीं है। इसका मतलब हमें स्वयं पर कोर्स बनाने हैं और हम बनाएंगे और हम बना रहे हैं, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हमें यूज करना है, लेकिन हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर करके ये देखना है कि वो पॉपुलर क्यों है।
मैं हमेशा टीचर्स को कहता हूँ, खासतौर पर जो टीचर एजुकेटर्स हैं और जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, एक छोटा कोर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करिए। जब आप एक छोटा कोर्स स्वयं करेंगे एज लर्नर, तब आप जान पाएंगे कि एक अच्छे कोर्स में कैसे हम बना सकते हैं। आप किसी भी अच्छे मूक कोर्स में जाइए, कहीं आपको 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट का वीडियो नहीं मिलेगा। दे आर यूजिंग 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट वीडियोज। आपको कहीं वहां 10 पेज की कोई फाइल या बुक नहीं मिलेगी एक साथ पढ़ने के लिए। दे आर यूजिंग चंक्स इन वन पैराग्राफ, टू पैराग्राफ, हार्डली 300-400 वर्ड्स। दे आर इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज, कहीं वो मैचिंग द क्विज बनाते हैं, कहीं वो डिफरेंट लॉगिन्स को यूज कर रहे हैं, कहीं वो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे H5P और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप क्विज बना सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी में मैं फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। MOOC के बारे में आप सब जानते हैं, MOOC हमारा फ्यूचर है। स्वयं प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उस पर विजिट करिए। इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो कोर्स बना रहे हैं कोर्स देखिए, स्वयं के वीडियो स्वयं प्रभा पर आते हैं, जिसकी बात मैंने जानबूझकर आज नहीं की। स्वयं प्रभा हमारे 32 TV चैनल हैं, लाइव हैं, फ्री हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। देखिए 32 फॉर टीचर एजुकेशन ऑनली है, जिस पर लगभग 1200-1500 टीचर एजुकेशन के DLED और BEd कोर्सेज के वीडियो हैं। आप उनको देखिए, उनको यूज़ करिए, फ्रीली अवेलेबल है, अपने क्लासरूम में यूज़ करिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज़ करिए। आने वाले समय में जिन स्टूडेंट्स को हम अपने BEd क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, वो जहाँ पढ़ाने जाएंगे वहाँ उनको गूगल ग्लास से पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ उनको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के क्लासरूम मिलेंगे।